हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर से, एसोसिएट प्रोफेसर से और प्रोफेसर से। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले पर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला नोटिफिकेशन है वो है उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय पुंदीबारी कोच बिहार वेस्ट बंगाल से। तो ये नोटिफिकेशन है, ये 14 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है वो डिफरेंट सब्जेक्ट में निकाली गई है। तो अगर हम बात करें प्रोफेसर की, तो यहाँ पे देखिए जो एकेडमिक लेवल 14, और यहाँ पे जो पे मिलेगा वो आपको 1,44,200 का, और जो डिसिप्लिन यहाँ मेंशन कर रखा है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, बायोकेमिस्ट्री, सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पे दे रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। वहीं अगर बात की एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे जो आपको पे स्केल मिलेगा वो 1,31,400 का मिलेगा, और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन की रखी है। अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे जो आपको पे मिलेगा वो मिलेगा 57,700 का, और जो डिफरेंट डिसिप्लिन है प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, तो ये सब डिसिप्लिन में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन की रखी है। अब बात कर लेते कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो प्रोफेसर की 55 ईयर्स या कम होनी चाहिए एज। वहीं अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो इट शुड बी 45 ईयर्स और लेस। और बात करेगा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इट शुड बी 37 ईयर्स और लेस। ठीक है, तो ये जब जो एज लिमिट है ये आपको देखना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फर्स्ट या सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है, साथ में पीएचडी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वही अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट या सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपने जो भी कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो है यूजीसी, सीएसआई या आईसीआर का जो नेट का एग्जाम है वो क्लियर करा होना चाहिए। ठीक है, अब जिन्होंने 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन किया था पीएचडी के लिए, तो उन्हें जो है नेट, स्लेट या सेट की कोई भी जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की, तो आप रिलैक्सेशन जो है 5% मार्क्स मिलेगा ग्रेजुएट एंड मास्टर लेवल में, अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ। नेट, स्लेट या सेट जो है वो आपका कंपलसरी होने चाहिए, लेकिन अगर आप 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है पीएचडी में, तब आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज स्पेशलाइजेशन जो है वो क्या क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पे आपका पीएचडी डिग्री या मास्टर डिग्री बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका जो 4 ईयर बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, इक्विवेलेंट डिग्री में, ठीक है। तो ये अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तभी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें डिसिप्लिन के लिए, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी वो यहाँ पे मेंशन की रखी है। अब बात करें अगर फी पेमेंट की, तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज का जो फी है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 1,000 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप जो है किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो, तब आपको 500 का जो फी है वो पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट आप कर सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आपको, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट होगा, इट विल बी इन फेवर ऑफ उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, और आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन भी जो है अपना फी सबमिट कर सकते हैं नेफ्टी या स्विफ्ट के थ्रू। तो यहाँ पे इन्होंने अकाउंट नंबर दे रखा है, तो आप इस अकाउंट नंबर में आईएफएससी कोड का यूज करके या स्विफ्ट कोड का यूज करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की, तो देखिए यहाँ पे आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो सबमिट करना है विद इन 18 नवंबर 2020। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो मेंशन कर रखी है 18 नवंबर 2020 वेडनेसडे तक आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी आपके टेस्टिमोनियल से अलोंग विद आपका जो फी पेमेंट का प्रूफ है वो सारा आपको सेंड कर देना है, ठीक है। और आपको सेंड करते में आपको वहां पे मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, जिसके लिए भी कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एनवेलप पे
मेंशन कर सकते हैं, वो करना कंपलसरी है मेंशन करना, ठीक है। तो आप मेंशन करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ डेट डेस्क, जो भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो आप मेंशन करिए, और कैटेगरी भी अपनी मेंशन करिए, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर टेस्ट लाइक टेस्टिमोनियल्स और अदर सर्टिफिकेट इज शुड रीच विद इन 18 नवंबर 2020 वेडनेसडे। ओके, तो हमने ये एक नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया। अब हम एक और नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा नोटिफिकेशन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला से है। ये नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को निकला था। अब यहाँ पे देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो वैकेंसी वो यहाँ मेंशन करी रखी है। तो फिजिक्स के लिए 2 है, केमिस्ट्री के लिए 2 है, बायोलॉजी के लिए 2 है, ठीक है। तो आप जो है इन वैकेंसी को देख सकते हैं, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं और आप बायोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए वन मुस्लिम लाइक मुस्लिम कैटेगरी के लिए भी जो है वैकेंसी है, तो अगर मुस्लिम है तो आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो है आप देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर, टोटली ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो लाइक पोजिशन है। तो यहाँ पे आपको 900 पर सेशन पर कैंडिडेट मिलेगा अगर आप नेट जीआर पीएचडी नहीं है, वहीं 1300 पर सेशन मिलेगा अगर आप नेट जीआर पीएचडी है, और मैक्सिमम आपको 32,500 जो है वो पर मंथ मिलेगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपका एमएससी होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, नेट जीआर पीएचडी पेपर एप्लीकेशन या प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस आर प्रेफरेबल। अब वो करना क्या है, अपने एप्लीकेशन आपको अलॉन्ग विद योर टेस्टिमोनियल्स जो है आपको सेंड करना ada7@mgu.ac.in, और बाय पोस्ट आपको सेंड करना डायरेक्टली महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी पीडी हिल्स पीओ कोट्टायाम, ठीक है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि है अपोलो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर सबके लिए जो है वो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। मे बी आई थिंक ये ऑलरेडी ओवर हो चुका है तो मैं इसे हटा देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वो राजेंद्र एकेडमी फॉर टीचर्स एजुकेशन है। तो यहाँ पे जो है वैकेंसी यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए निकाली गई है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने मस्ट किया कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद एमएड या एमए इन एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी की पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट है वो सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आप लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, और जो क्वालिफिकेशन वो एज पर एनसीटीए फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंस मोस्टली जितने सब्जेक्ट सबके लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो एज पर एनसीटीई फॉर्म्स में मिलेगी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जो है principal@rajendacademy.com पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं, या आपको फर्दर क्लेरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंशन कर रखा है, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की जो कि निकला है पीकेजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मिस आर्यन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट कोर्स है ईसीए सीएसए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फिजिक्स एमबीए केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी सबके लिए जो है यहाँ पे पोस्ट जो है वो मेंशन कर रखी है। अब साथ में इन्होंने क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल जो है वो एज पर एआईसीटीई और यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो आप अगर आप इन सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हैं तो आप जो है डायरेक्टली director.pkg@gmail.com पे अपना जो सीवी है वो सेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा नोटिफिकेशन है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो यहाँ पे क्या है जो नोटिफिकेशन निकाला गया है और जो इंटरव्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया जा रखा है, ठीक है। तो देखिए डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी में पोजीशन निकली है और जो इंटरव्यू है वो 19-20 अक्टूबर, मे बी ये ऑलरेडी जो है ये ओवर हो चुका है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो आई होप मैंने जितने भी आपसे जो नोटिफिकेशन है वो डिस्कस किए हैं। अगर आप इसमें से किसी भी जॉब के लिए जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।